मेरा नाम डॉक्टर अनम नजम है और मेरा ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू SCO फॉर ऑलवेज रिकग्नाइजिंग एंड सपोर्टिंग द पीपल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बींग द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क ऑफ द रीजन। 2008 में जब मैं थर्ड ईयर MBBS की स्टूडेंट थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी और उस दौरान कुछ डाकू थे जिन्होंने हमारी गाड़ी पर फायर कर दिया। वो गोली मेरी रीढ़ की हड्डी में लग गई और जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। आज से 13 वर्ष पहले मेरे जिस्म का 3/4 हिस्सा पैरालाइज हो गया, मफलूज हो गया। और ना सिर्फ ये कि मैं चलने फिरने उठने बैठने के काबिल नहीं रही बल्कि मेरे हाथों की ग्रिप भी ख़त्म हो गई। तो इस हद तक जो डिसेबिलिटी है वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक सेकंड के अंदर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैठे बिठाए आप 21 साल की उम्र में अचानक से आप इतनी बड़ी माजूरी का शिकार हो जाएं तो ज़िंदगी किस किस्म की कश्मकश से दोचार हो जाती है। और मैंने इसी माजूरी के साथ अपने जिस्म के 3/4 हिस्से के फॉलेज हो जाने के बावजूद अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मैंने CMH में अपनी खिदमात सर अंजाम देना शुरू की। उसके बावजूद भी मेरा आगे बढ़ने का जो शौक था, जो लगन थी, वो ख़त्म नहीं हुई। मैं एक कम्फर्ट जोन से निकल कर अपनी मज़ीद ग्रोथ हासिल करना चाहती थी। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया की यूथ को बल्कि खसूसी तौर पर खित्ता कश्मीर की यूथ को, क्योंकि ये खित्ता अपने डायनेमिक्स की वजह से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दोचार है और यहाँ रहने वाले जो अफराद हैं उनके मसाइल निस्बतन बाकी लोगों से कुछ मुख्तलिफ़ भी हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें गैर मामूली किस्म की मुश्किल से दोचार होना पड़ता है और ऐसी मुश्किल जब हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें गैर मामूली जुर्रत, लगन और हिम्मत दरकार होती है। गैर मामूली ख्वाब देखिए और इस बात पर यकीन रखिए कि आपके ख्वाबों को हासिल करने के लिए, उनकी ताबीर पाने के लिए गैर मामूली जज्बे के अलावा और कुछ दरकार नहीं। डिटर्मेंट, कीप गोइंग, बी ब्रेव, बी करेजियस एंड ऑलवेज हैव फेथ।